नमस्कार, भिवानी अलचल में आपका स्वागत है। गांव दिनोद में पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियों के साथ हमला किया गया है। हालांकि ये पुरानी रंजिश का मामला बताया गया है। घायल का जो कहना है कि ये लगभग पुराना मामला है और गांव के ही कुछ युवकों पर गोली चलाने का आरोप है। 8 युवक 2 बाइकों पर सवार होकर के आए थे और घायल नरेंद्र ये सुबह एक्सरसाइज के लिए सड़क पर दौड़ रहा था। दौड़ते हुए पीछे से गोली दागी है, एक गोली उसके सीने में भी लगी है। गंभीर रूप से घायल है, भिवानी के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मामला क्या है जानने का हम कुछ प्रयास करते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? मेरा नाम नरेंद्र है, दिनोद गांव का रहने वाला हूँ। मैं सुबह प्रैक्टिस करके आया था, ऑफिस के पास बैठा था, एक दो भाई और थे, तो मैं बातें करने लग रहा था। 3-4 मोटरसाइकिल आए पीछे से, इसे तो जो शुरू में उतर के आए कट्टा ले रहे थे, उन्हें बिछाने कौन था, बच्चे थे मतलब छोटे थे, उन्हें जानू कौन था, मन बेर को पता नहीं था। उन्हें सीधी गोली मारी, उन्हें सीधी गोली मार दी, उन्हें हाथ पर मार के निकलने की कोशिश करा। उसमें बाटी मंजीत सत्य 8-9 जने थे, 3-4 मोटरसाइकिल थे। फिर मेरे पीछे बाजे 4-5 गोली पीछे तक मारी है। मेरा वेला बाकी मैं उन जानता को नहीं। क्या रंजिश थी पहले? भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी, फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7206799506, 7027280885। आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला, हमारा जो नाते में बांधता लगता नरेंद्र, वो प्लाट में प्रैक्टिस करके आया था, तो वो बैठे थे ऑफिस में, तो वहाँ पे 8-9 लड़के थे जो उन्होंने आके अंदर सिद्ध इसके ऊपर फायर ठोक दिए। अभी क्या गोली लगी, कहाँ पर लगी है? अभी तो एक तो यहाँ पे लगी हुई है सीधी फ्लैट के ऊपर ही। अभी डॉक्टर दोबारा फिर जांच करने लग रहे हैं और जांच करने के बाद पता लगा कितनी गोलियां लगी। एक तो स्पष्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे जो लगी वो। कहाँ पे रहने वाले? ये सुरजनवास गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ में, लेकिन यही रहता है और यही प्रैक्टिस करता है। नहीं, इसके मामा जी हैं, उनके पास से रहता है। क्या गेम है इनके पास? ये जेवलिन थ्रो करता था, अब बॉडी फिटनेस के ऊपर काम करता है, पहले ट्रेनर भी रहा है एक जिम में। जी मनोज जी, की क्या लड़ाई है पहले की, क्यों गोलियां चलाई? कुछ मेरे गांव के असामाजिक तत्व हैं जिनके साथ जिन्होंने कई वारदातें कर ली। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले एक लड़के को उन्हीं लोगों ने फिर मारा है,
रास्ते में रोके, सुबह खेत में जा रहा था, सुबह लगभग 6 बजे की बात है। और आज वो भी मैदान था, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको चोट ज्यादा थी और आज दूसरा उसका ऑपरेशन होना था, अभी पता नहीं उसका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है लड़का। नरेंद्र के साथ क्या दुश्मनी थी? नरेंद्र के साथ कोई विशेष दुश्मनी नहीं थी, नरेंद्र के को इन्होंने पहले चोट मारी थी, फिर नरेंद्र ने इनके मार दी थी, इनका ये झगड़ा था। कितने दिन से चला रहा है ये? तो लगभग यूं मान के चलो आप 1 साल से, तो जो ये लड़के हैं जो 5-7 लोगों का गिरोह, इन्होंने पूरे गांव में के अंदर आतंक मचा रखा है और मुझे भी जिन्होंने मारने की कोशिश की थी और जो साजिश करता है वो सभी इसी ग्रुप के हिस्से हैं। और मैंने कई बार पुलिस से रिक्वेस्ट भी करी थी, जो दो नाम आपके सामने आए हुए हैं जिनमें से अभी भाई ने बताया 2 नाम वो भी शामिल थे जो इसे गोली मारी है, जो मुझे मारने में शामिल हैं, जिनका नाम पुलिस के पास आ चुका है। और पुलिस उन्हें पता नहीं क्यों एक दो बार तो कई पहले रेड मारी है, मैं लगातार कह रहा हूँ कि आप इन्हें पकड़ने की कोशिश करो और इनको जब तक नहीं पकड़ोगे तो ये गांव के अंदर ऐसे आतंक मताते रहेंगे। एक लड़का मैदान था के अंदर मौत से जूझ रहा है, एक लड़का यहाँ अब इमरजेंसी के अंदर गोली लगा हुआ आया है। तो आपको और जो नरेंद्र और दूसरे जो अन्य लोग, उनको जान का खतरा बना हुआ? मुझे जान का खतरा बना हुआ है, मुझे तो प्रशासन ने आगाह किया था कि आपकी जान को खतरा है, मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मैं तो किसी के साथ ना कोई झगड़ा करता ना किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी। बस ये हो सकता है कि मैं जैसे अब इमरजेंसी में इसको तकलीफ हुई तो मैं आ गया, या पंचायत में किसी को गलत कह दिया उसका कोई रोष मान गया, यही हो सकता है। इससे फालतू मेरा तो कोई किसी से लेना देना भी नहीं है, मैं तो रहता हूँ हाँसी हूँ, 2019 से मैं हाँसी शिफ्ट हूँ और पुलिस को पता है कि मुझे हाँसी भी मारने के लिए गए हुए हैं, 2-3 दिन वहीं रहे हैं। या बंद कर रहा है वो नहीं आने का पहले बोली चल रहा कौन तो बात में ना तो ना सोचा ये क्या कर रहे हो भाई? हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़ जींद रोड भिवानी आरडी रिजॉर्ट में खास हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगड़ाना मोड़ भिवानी, मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007।